जय खोम भैरव बाबा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत। मेरा गांव रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिमली से। तो अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है खोम भैरव बाबा के धाम से। तो हम तो चलिए जी, अभी हमने नीचे मंदिर से पूजा करके आ गए हैं खोम भैरव के मंदिर से, और यहाँ पे आ गए हैं जगदेवी माता के मंदिर में, जो कि खोम भैरव के मंदिर के ऊपर वाले साइड रहती है। तो जो खोम भैरव के दर्शन करने के लिए आते हैं तो जगदेवी माता का आशीर्वाद भी जरूर लेते हैं भाई, और यहाँ पे सिंगार का सामान भी ले रखा है माता रानी के लिए। तो भैरव बाबा के साथ साथ यहाँ पे जगदेवी माता के भी दर्शन होते हैं। तो चलिए जी, अभी हमारे अच्छे से पूजा भी हो गई है, प्रसाद भी खा लिया है, अब थोड़ी देर बाद में घर जाने की तैयारी है, पर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। सभी आ रे दिव्या, ये कौन है ना तियो मेरे, अरे तुम भी आ रहे हो मर्द हो क्या? हाँ, खाली खाने रो नहीं लगता, खाली खाने के उन्हें आ रहा। तो यहाँ की एक खासियत है वे मरड़े के अंदर खाना बनाया जाता है, बारिश हो या धूप हो खाते बाहर में, अंदर नहीं खाते हैं जूठा। बाकी अभी हम लोगों की है यहाँ से घर जाने की तैयारी। खोम भैरव बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्दी आएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। बाकी इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें आज यहाँ पे, पुजारी जी के हाथ से अच्छे से पूजा भी हुई, भैरवनाथ जी के दर्शन भी हुए, और अब घर जाने की तैयारी है, और आसमान ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया भाई।
थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश आ गई थी लेकिन थम गई है जैसे ही हमारे घर जाने का ना, जैसे बंद हो गए खाने वाला अभी तो ये है भाई भगवान जी की अभी बंद हो जाएगा फिर बारिश शुरू हो जाएगी। पर जब तक हम घर पे नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगी बारिश है ना। क्या बोली तो महाराज सोनी जगदीप चलो तब हमारी भी हो गई है जाने की तैयारी। ठीक है तब है मामा जी। अच्छा तब आशीर्वाद बनाए रखना। अच्छा तब भाई चलो तब चलिए जी चलिए ऊपर आशीर्वाद। ठीक है तब वह। अच्छा बाय बाय जी बाय। और यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहीं रहने का मन कर रहा है पर क्या करें है ना। और बच्चे लोग चल गए हैं ऊपर वाली साइड और कोहरा भी लग गया है भाई अभी तो। अब हमें जाना है इन घने घने जंगलों के बीच से होते होते घर। पता नहीं कितने घंटे लगेंगे भाई आप क्या वे? ये देखो भाई बकरियों के साथ साथ ये डॉगी भी आते हैं जंगल में और घना घोर को हरा भी चारों तरफ से आप छा गया है। और ये भाई तो चलिए जी घर वापसी पे हम जा रहे हैं दादाजी लोगों के मरड़े में। जाते समय तो दादाजी यहाँ पे नहीं थे लेकिन दादाजी ने दूध वगैरह रखा हुआ था हमारे लिए चाय बनाने के लिए। तो हम आए और ऐसे ही दादाजी की भेड़ बकरियाँ आवाज करने लगी माँ है। हाँ तो जा रहे हैं ऊपर मरड़े में। तो अभी दादाजी लोगों की भेड़ बकरियाँ भी आ गई हैं घर पे तो हमें देख मम्मा मम्मा की आवाज कर रहे हैं भाई। और कितने समझदार हैं दिन में आराम से यहाँ पे रहते हैं और रात को जाते हैं अंदर। ये वो कहीं बैठा जाना दबाकन के जा दादाजी। अभी दादाजी हमारे लिए बना रहे हैं वे गरमा गरम चाय है ना दियानी के लिए। जब भी आते हैं खोम भैरव की यात्रा करने के लिए एक बार दादाजी के मरुड़े में जरूर आते हैं भाई चाय पीने के लिए हर साल। दादाजी के तो कुखड़े भी सेंत रखे हैं नहीं कुखड़े भी सेंत रखे हैं दादाजी। दो लोग रहते हैं एक दादाजी और एक दादाजी। दो दादा रहते हैं भैया नहीं दोनों दादा हैं बस मोर हैं। पूर्वजों की धरोहर को संभाल के रखा हुआ है आपने। तो चलिए जी हम लोगों की भी हो गई है घर जाने की तैयारी। चाय भी पी ली है मैंने तो दो गिलास। ठीक चुवा दादाजी। अच्छा तब वाह ठीक दादाजी। अब दादाजी लोग आएंगे 6 महीने के बाद घर भाई। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं भेड़ बकरियाँ 6 महीना तक यहाँ पे यात्रा सीजन चलेगी। 6 महीना तक खोम भैरव की यात्रा चलेगी और बहुत सारे भक्त इसी रास्ते जाते हैं। तो जो हमारे साइड के जाते हैं सब यहाँ पे चाय पी के जाते हैं भाई। कुछ लोग चले गए नीचे की साइड और मैं जाऊंगी यहाँ। देखो इतना बड़ा खर्क। तो इस खर्क में सिर्फ हमारे मायके वालों के गाय भैंस बकरियां रहती हैं भाई बाकी और जगह की नहीं। यहाँ से सॉल्टी लेके भी जा रहे हैं रिंगाल की सॉल्टी घास के लिए भाई। ये देखो दो बड़े बड़े सॉल्टी। तो अभी हम खोम भगवान जी के दर्शन करके आ ही रहे थे तो रास्ते में पड़ता है भांजी का घर और मुझे पता भी नहीं था भाई कि यहाँ पे है भांजी घर में है कि नहीं है। तो जिद्दी करके आ गए हैं भाई घर पे जबरदस्ती की रईस ने नाराज हो रही थी तो आना पड़ा। और ये है भाई भांजी का घर। हेलो ये है हमारी भांजी। अगर नहीं भी आना था तो नाराज हो जाती और बहन और भांजी का भी नाराज नहीं करने चाहिए। बोला ना परसों तक जा लो। हाँ तो चलिए जी हम लोगों की भी हो गई है यहाँ से घर जाने की तैयारी। चाय भी पी ली है और भांजी भी खुश हो गई है ना। ठीक हमारे बच्चा था ढंग से ठीक हुआ अच्छा। तो किरण की बुआ ने किरण के लिए पैसे दे रखे हैं मेरे पास बिस्किट के लिए।
जरा पौधी तो ओलुका भेर तब ओलुआ जरूर कि अब तू घर हे वा ठीक छु बाबा वा ठीक छु वा ढंग से रे वा बाय बेटा तो चलिए जी हम जरूर 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 वा तो अभी हम आ चुके हैं घर जाते समय माँ चंडिका कुलदेवी के मंदिर में, जो कि हमारी कुलदेवी है, भगवती मायके की कुलदेवी है। और असुज के महीने में यहाँ पे अष्टमी होती है, तो आप लोगों को अष्टमी वाली वीडियो तो मैंने दिखा ली थी। और बाकी अभी देख सकते हैं, उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन आज कम है। तो ये है चंडिका का सोड़। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आ रखे हैं घूमने के लिए। बाकी ये लोग भी कर रहे हैं वह माँ भगवती के दर्शन, मैथ की भगवती माँ चंडिका। और बच्चे खेल रहे हैं, बहुत बड़ा सोड़ा है यहाँ पे भी, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है।